दिया कुछ सिंपल फाइल बना करके और इसके अंदर डाल दी। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल लेके आए या कोई भी वॉच या कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसे या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेके आए, तो उसने क्या कर दिया, उसने क्या किया, उसके साथ में एक छोटी सी डायरी दे दी और उसके अंदर यूजर मैनुअल लिख के उसमें लिख दिया कि इसके अंदर ये हो सकता है, ये फीचर्स हैं, तो वो एक प्रकार का टेम्पलेट है उसका। तो राइटर या एमएस वर्ड या कोई भी सॉफ्टवेयर, उसके साथ में क्या आता है, टेम्पलेट आते हैं, प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। ऐसा करके प्रश्न आता है डायरेक्ट कि प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, तो बताएंगे टेम्पलेट कहलाता है। और टेम्पलेट उसका एक प्रकार का सैंपल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी फॉर्मेटिंग, जिसकी डिजाइनिंग पहले से की हुई होती है। तो ये अगर राइटर है, राइटर का टेम्पलेट है, टेम्पलेट का एक्शन से नेम अलग होता है, टेम्पलेट का एक्शन से नेम होगा डॉट ओटीटी। क्या होगा, डॉट ओटीटी, इस टेम्पलेट का एक्शन से नेम होगा, समझ में आया होगा। उसके बाद अगर आपने राइटर को ओपन करना है तो लिब्रे ऑफिस सीधा ओपन होगा, लेकिन राइटर को अगर कमांड से ओपन करना है, रन बॉक्स में जा करके या विंडो आर करके रन बॉक्स में जाएंगे और वहां से अगर कमांड लेंगे तो उस कमांड को क्या कहते हैं, एस राइटर, तो आपका राइटर ओपन हो जाएगा सीधा सीधा। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। दोस्तों राइटर के फीचर्स बहुत हैं, क्या है, नंबर एक, एक है इसमें राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डीटीपी का भी आपको बताया था, डीटीपी का काम इसमें कर सकते हैं। कौन है, कोई बात नहीं, 2 मिनट में क्लास मेरी पूरा कर दूंगा, आ रहा हूँ। डीटीपी का इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है, डीटीपी का इसमें काम कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं आप इसमें, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। पीडीएफ, पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हर कंपटीशन के अंदर इसके पेपर के लेवल की कुछ चीज़ें पूछी जाती है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ध्यान रखना, इस पर अलग से मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। तो इस पीडीएफ हो गया, डीटीपी हो गया, राइटिंग हो गया या मेलिंग हो गया या डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करना, ये सारे वो सारे फीचर है जो एमएस वर्ड के साथ में मिलते हैं। दोस्तों राइटर का लुक कैसा होता है, दिखाई कैसे देता है, एमएस वर्ड के वर्जन 2003 की तरह कौन दिखाई देता है, आपका राइटर दिखाई देता है, ध्यान रखना, एमएस वर्ड के 2003 की तरह आपका राइटर दिखाई देता है। इसके अंदर 11 मेन्यू एक्सटेंशन है ये, और इसको ओपन करने की कमांड क्या होती है, राइटर होती है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे कितना, कि इसके अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका जूम साइज कितना कर सकते हो, 20% से 20% से 600% तक कर सकते हैं, 20% से 600% तक इसका जूम साइज कर सकते हैं, ठीक है। और डिफॉल्ट जूम साइज होता है 100%, डिफॉल्ट जूम साइज क्या होता है आपका, 100% होता है, राइटर का जूम साइज ये होता है। अब इसमें कुछ और बातें हैं दोस्तों, देखिए ये तो हो गया ओवरव्यू के प्रश्न से आइए, अब उसके इसके थोड़े से इसके अंदर चलेंगे। तो देखिए इसके डॉक्यूमेंट के व्यूज 3 प्रकार के, एमएस वर्ड इसमें राइटर में 3 व्यूज मोस्टली होते हैं, नंबर एक नॉर्मल व्यू, नंबर दो बात करें तो वेब व्यू, और नंबर तीन हो गया फुल स्क्रीन व्यू। व्यू 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल व्यू, वेब व्यू, नॉर्मल व्यू को डिफॉल्ट व्यू कहते हैं, इसके अंदर डिफॉल्ट व्यू होता है, और उसके बाद वेब व्यू, ये राइटर की इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बाद डेप्थ में आगे और चलेंगे। नॉर्मल व्यू, वेब व्यू, और क्या रहेगा नेक्स्ट, क्या रहेगा, फुल स्क्रीन व्यू रह गया। फुल स्क्रीन व्यू को कंट्रोल शिफ्ट जे, इसका शॉर्टकट बोला जाता है कंट्रोल शिफ्ट जे, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात आगे इसके बात करते हैं कि राइटर जो है उसमें इसके कुछ शॉर्टकट बदल जाते हैं, जैसे सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट बी होता है, सुपरस्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट पी होता है, ये कुछ शॉर्टकट्स इसके आगे चेंज हो जाते हैं। अब देखिए अगर हम 2 प्रकार से बात करते हैं कि राइटर है, राइटर को बंद करना चाहते हैं पूरे को, तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस क्यू, ध्यान रखना एल्ट प्लस F4 बाकी सभी सॉफ्टवेयर में होता है, इसमें शॉर्टकट होगा कंट्रोल प्लस क्यू होगा। और अगर दूसरे सॉफ्टवेयर होंगे इसके अलावा दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर को बंद करना है तो शॉर्टकट होगा एल्ट प्लस F4, एल्ट प्लस F4 सॉफ्टवेयर होगा, इससे ये क्या होगा बंद हो जाएगा, और इससे ये क्या होगा एल्ट क्यू से। लेकिन केवल फाइल बंद करनी अंदर की तो कंट्रोल प्लस W को काम में लेंगे, ठीक है। दोस्तों ये राइटर का परिचय था, कैल्क और इंप्रेस जस्ट दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और
अगर अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट के अंदर आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके का कंटेंट है और इसमें क्या मॉडिफिकेशन और करके दे दें। ये सिर्फ राइटर का इंट्रोडक्शन था, आगे डेप्थ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।